संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है, यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। आपने डायनासोर या डोडो के विनाश के बारे में सुना होगा, पर अब हम मिट्टी के विनाश की बातें कर रहे हैं। असली समस्या मिट्टी का गायब होना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो गए हैं। 80%, ये आत्महत्या है, ये वाकई आत्महत्या है। तो 45 या 50 साल के बाद धरती पर भोजन का गंभीर संकट होगा, ये होना ही है। जब भोजन का संकट आएगा तो जिसके पास सबसे बड़ी बंदूकें होंगी वो आकर भोजन ले जाएगा, और दुनिया भर में लोगों के लिए हम जो दुख और दर्द पैदा करेंगे उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गरीब मरेंगे, वो अमीरों को मारेंगे और अमीर मरेंगे। तो मैं चिंता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास में कई बार हुई है, और एक बार फिर दुनिया के मुख्य वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो हम इसका क्या करने वाले हैं?